हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकल्प लर्निंग में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि उसमें हमने जम्मू एंड कश्मीर अटेंडेंस पोर्टल पर किस तरह से अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लॉगिन और पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी दी थी। फ्रेंड्स, अभी भी कुछ इंप्लॉयज को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उनकी आईडीज में लिखा आ रहा है आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट। इस तरह से उनको एक मैसेज शो हो रहा है, जब किसी कैंडिडेट्स को इस तरह से मैसेज शो हो रहा है फॉर्म कैन नॉट बी सबमिटेड एज इट हैज आधार ऑथेंटिकेशन एरर्स। कुछ ही किस तरह से एरर आ रहे हैं, इस सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हमने जो है इस वीडियो को लाया है। फ्रेंड्स, ये ऑथेंटिकेशन एरर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके जो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने आपका जो है रजिस्ट्रेशन कर ली है, सिर्फ आपको लॉगिन करना है और अपने पासवर्ड को क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं कि किस तरह से हम अपनी लॉगिन करेंगे और अपने इस एरर को रिमूव करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इस पूरे प्रोसेस को समझाते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम अपनी जम्मू एंड कश्मीर पोर्टल पर आ चुके हैं और आपके सामने यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। और सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, जैसे कि हमने पहले उसमें रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में गए थे, पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट आपको लॉगिन पे जाना पड़ेगा। जैसे ही लॉगिन पे जाएंगे और आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड, ये कह रहा है कि आप अपना यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालें। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड के आगे लिखा है डू नॉट हैव एन अकाउंट क्लिक हियर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने लॉग इन टू बेस एक जो है पेज आ जाएगा। यहाँ पे अटेंडेंस आईडी आपको डालनी है और यहाँ पे कोड दिया गया, ये आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये जल्दी से डाल के दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अपनी आईडी डाल दी है और यहाँ पे कोड डाल दिया और जनरेट लॉग इन ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका इस तरह का पेज दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे वापस यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपके सामने एक मैसेज आ चुका होगा आपके मोबाइल पर और आपको फॉरगेट पासवर्ड पे जाना है। देखिए यहाँ पे हम अपने फॉरगेट पासवर्ड पे जा रहे हैं और यहाँ पे अपना यूजर नेम डालना है, जो हमारे पास अभी आधार कार्ड के लास्ट 8 डिजिट जो है यहाँ पे डालने पड़ेंगे। चलिए हम यहाँ पे डाल के दिखाते हैं आपको। और SMS के द्वारा हमने क्लिक कर दिया है, आप ईमेल के द्वारा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कोड है वो डाल के यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया और आपके सामने इस तरह का पेज आ चुका है और यहाँ पे लिखा गया है रीसेट पासवर्ड यूजिंग OTP। आपके पास एक और OTP आ चुका है जिसके लिए आपको जो है पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड डालेंगे, कन्फर्म पासवर्ड डालेंगे और OTP डालेंगे। चलिए हम आपको ये सब डाल के दिखाते हैं। हमारे पास OTP आ चुका है, इस नंबर पे आया जो आपके सामने ऊपर मेंशन किया गया है। फ्रेंड्स, जैसे आप सब डाल लेंगे और इसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह का मैसेज शो होगा, सक्सेस पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन विद करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये हमारे पास पासवर्ड आपका बन चुका है। अब आपको लॉगिन पे जाना है क्योंकि पहले लॉगिन के लिए आपके पास पासवर्ड नहीं था, अब आपके पास पासवर्ड आ चुका है, अब आप पासवर्ड डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं हमने अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया। नेक्स्ट हमारे पर यहां पे हमने कोड भी मेंशन कर दिया और साइन मी इन क्लिक कर लेंगे। फ्रेंड्स, साइन मी इन करने के बाद कुछ एम्प्लॉयज को इस तरह का मैसेज आ रहा है, आप इससे घबराइए नहीं, आप इसे क्रॉस कर लेंगे और वापस से आप लॉग इन करेंगे। जैसे लॉग इन करेंगे आपका जो मेन पेज है वो ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं हमारे पास एम्प्लॉय कॉर्नर आपके सामने यहाँ पे मेंशन हो चुका है। आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे आपका नेम मेंशन किया गया, डेजिग्नेशन और एक्टिव है तो आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये पूरी की पूरी जो है रजिस्ट्रेशन है, इस तरह से आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात और बता दें कि आपको अपना पासवर्ड अगर चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने के लिए आपके सामने यहाँ पे लॉग आउट के ऊपर चेंज पासवर्ड है, तो आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और आपको ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करना होगा जो आपने बनाया था, और न्यू पासवर्ड आप डाल सकते हैं और कंफर्म न्यू पासवर्ड पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अपना पासवर्ड जो है चेंज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही था, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।